नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने कहा कि इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 250 LPM होगी। एक साथ 8 सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा जा सकता है। वर्तमान में 30 बेड में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, जिसे और भी बढ़ाया जा सकता है। ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए लोहरदगा जिला व्यक्ति का टेस्ट ट्रेसिंग ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन फॉर्मूला पर कार्य कर रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी क्षमता है 250 LPM। LPM का मतलब होता है लीटर पर मिनट। तो कुल मिला के हमारे पास 750 लीटर पर मिनट हम निर्बाध रूप से ऑक्सीजन जनरेट कर पाएंगे अब आगामी, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। जो आम आदमी लोगों को जानना है कि अगर कभी जैसे अब ओमिक्रॉन का ये लहर जो है, अगर ये ओमिक्रॉन है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी अभी तक तो नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग गत दिनों में जो हमारे यहाँ पॉजिटिव मरीज आए हैं, कल तक हमारे यहाँ 167 आए थे। मुझे अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने ये फ़ोन करके बताया हो कि उनका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। ईश्वर करे कि उनकी ऑक्सीजन लेवल नहीं घटे। और ऐसे भी साइंटिफिक जो उसका अभी स्टडीज़ है उसमें बताया गया है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, लेकिन अगर कमी होगी तो वैसे स्थिति में हम ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से हम लोग खुद अपने हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं। हम लोग बिल्कुल अपना स्वावलंबी हो चुके हैं अब। और इसमें जो एक आम जनता को जो बताने की बात है वो ये है कि आमतौर पर जो साधारण व्यक्ति जिनको कि ऑक्सीजन की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो 3 लीटर से 5 लीटर तक प्रत्येक मिनट ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से अगर हम 750 लीटर हमारे पास अगर पर मिनट का जनरेशन है, तो इस तरह से देखा जाए तो हम करीब करीब 150 मरीजों को निर्बाध रूप से प्रत्येक मिनट इलाज कर पाएंगे ऑक्सीजन दे करके। तो अच्छा, दूसरा बात है कि जो PSA प्लांट होता है वो चलता रहता है। जैसे मान लीजिए 3 घंटे 4 घंटे चला, तो उसमें वो निरंतर रूप से ऑक्सीजन देगा भी मरीज को, और उसके जो PSA प्लांट का एक कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज सिलेंडर, उस स्टोरेज सिलेंडर का कैपेसिटी 70,000 लीटर या उससे भी ज़्यादा भी होता है। तो वो उसमें जनरेट करके और उसमें फील करता है उसी में, और हमें अगर ज़रूरत पड़ी, मान लीजिए बिजली कट गई, तो ऐसा कोई केओटिक ना हो जाए, क्योंकि कल को लोग ये बोलेंगे कि नहीं बिजली कट गई और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई या ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। बिजली के चले जाने के बाद भी लगभग 4 घंटे तक किसी भी बिजली की आवश्यकता उसको नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका जो स्टोर्ड ऑक्सीजन होगा वो काफ़ी है उनको निर्बाध रूप से ऑक्सीजन देने के लिए। तो इसलिए कुछ जो भ्रांतियां हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जिनका लोग जानते नहीं हैं, उसके चलते उसके बारे में बिना सिर पैर की बात जो करते हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया वो इस तरह की बात को न फैलाएं और अननेसेसरी हैवॉक क्रिएट न करें लोगों के बीच में। जो कॉमन चीज़ है, वो सबसे कॉमन चीज़ है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है बचाव के लिए, आपको मास्क पहनना है, और जो एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस। लोहरदगा से वीरेंद्र मुंडा की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।